मुझे भी एक देश के एम्बेसडर मिलने आए थे। काफी फॉर्मल बात होने के बाद वो धीरे से राजनीति की ओर जाने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने दो प्रमुख चैलेंजेस क्या है। मैंने उनको सहज जवाब दिया था। मैंने कहा हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करें। तो उन्होंने पूछा कैसे। मैंने कहा कि मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 65% जनसंख्या मेरी बिलो 35 है, पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व के में सबसे नौजवान देश है ये, 35% पॉपुलेशन अगर बिलो 65% पॉपुलेशन अगर बिलो 35 है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरा देश गरीब नहीं है, हमारे पास अपार भू संपदा है, धन संपदा है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर करके समृद्धि की ओर जा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम अवसर को खोते चले जा रहे हैं। अवसर को कैसे पकड़ना, उसको कैसे चैनलाइज करना, उसको उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना, उसमें से कैसे डेवलपमेंट करना, उस चैलेंज को हमने पूरा करना है। भाई बहनों, इन दिनों गुजरात की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात ने अपने विकास की यात्रा के मॉडल में एक बात का ध्यान रखा है, हम सिंगल पिलर पर अपना टेंट खड़ा करना नहीं चाहते, और इसलिए हमने हमारे पूरे डेवलपमेंट मॉडल को तीन आधार पर डेवलप किया है। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 इंडस्ट्री एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। और हमारी कोशिश यह है कि हमारे इन तीनों क्षेत्रों का विकास एक समान रूप से हो, और कभी एकाध में कोई कठिनाई आ जाए, रुकावट आ जाए, तो दूसरे दो उसको सपोर्ट करें, और इसके कारण स्टेट की इकोनॉमी कभी चरमरा न जाए, कभी संकट में न आ जाए।